इतकी पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जान लेवा शौक रखदा तूरी फुट दी बना के ऐ मंदिर खड़दी डब विच पर के गलाओ रखदा इतकी पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए एक धमाकेदार बिजनेस ट्रिक जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा लॉजिक और इनकम बेशुमार। सिर्फ 1,00,000 रुपए में शुरू करें यह सुपर हिट बिजनेस। हर महीने 40,000 से कहीं ज़्यादा हो सकती है आपकी कमाई। तो आइए अब बात करते हैं फुल डिटेल में कि क्या बिजनेस है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या इन्वेस्टमेंट होगी और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब जानते हैं वीडियो के स्टार्ट करने पर। आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको स्मार्ट ट्रिक बढ़िया लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अगर आप किसी बिजनेस जिसमें मंदी का चांस बेहद कम हो और हर महीने बम्पर कमाई हो, तो हम आपको ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वह बिजनेस बिस्कुट बनाने का बिजनेस है। आपको बता दें कि कोविड-19 काल के दौरान इसकी बिक्री ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हर रोज रहती थी इस प्रोडक्ट की लाखों में डिमांड। बताते चलें, इस प्रोडक्ट की डिमांड हर घर में रोजाना रहती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। बता दें कि आप बेकरी प्रोडक्ट बनाकर मोटी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट भी आपको मदद कर सकती है, यानी सरकारी सहायता के जरिए इस बिस्कुट मेकिंग बिजनेस को आराम से शुरू कर सकते हैं। सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। इस तरह बिस्कुट, केक, चिप्स या ब्रेड बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए प्लांट लगाने के लिए जगह, लोकेप्सिटी, मशीनरी और रॉ मटेरियल के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिस्कुट प्लांट का खर्च, अब हम बात करने वाले हैं बिस्कुट प्लांट में कितना खर्च आएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस बिजनेस में शुरू करने के लिए आपको 1,00,000 रुपये निवेश करना होगा। कुल खर्च का 80% तक फंड की मदद सरकारी यानी कि गवर्नमेंट से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने खुद प्रोडक्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस बिजनेस से हर महीने आप 40 से 50,000 से ज़्यादा कमाई आसानी से कर सकते हैं। प्रोडक्ट लगाने में कुल खर्च लगभग 5.5 लाख रुपये लगेंगे। इसके लिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपये है, बाकी की रकम आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मिल जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सिलेक्शन होने पर बैंक के टर्म लोन 2,87,000 रुपये और वर्किंग कैपिटल 1,49,000 रुपये मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 500 वर्ग फुट खुद का प्लॉट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे रेंट पर लेकर प्रोडक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं बिस्कुट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। उनका आटा, चीनी, तेल, बोझ, दूध पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर, कुछ खाद केमिकल। अब बात करने वाले हैं बिस्कुट बनाने वाली मशीनें। आपको एक मिक्सर मशीन लेनी पड़ेगी, ड्रॉपिंग मशीन लेनी पड़ेगी। ड्रॉपिंग मशीन बिस्कुट को आकार देने वाली मशीन को कहते हैं। बेकिंग ओवन मशीन लेनी पड़ेगी, पकाने और बेक करने वाली मशीन कहते हैं। आपको पैकिंग मशीन लेनी पड़ेगी, जिससे आपका प्रोडक्ट पैक तैयार हुआ है उसको पैक करना है। अब बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ों की लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बताते चले कि बिस्कुट के बिजनेस में आपको FSSAI के लाइसेंस उद्योग, आधार उद्योग, GST नंबर और फायर एंड पॉल्यूशन विभाग से NOC लानी पड़ेगी। और हाँ, खास बात आपको बता दें कि 40,000-50,000 की कमाई आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 400 kg बिस्कुट बनाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल और अन्य खर्च मिलाकर करीबन 105 से लेकर 110 रुपये प्रति केजी खर्च होगा। इस बिस्कुट को आप मार्केट में 120 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच सकते हैं। इस हिसाब से आप हर महीने 35 से 40, 45 या 50,000 प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा हमारा बिजनेस आइडिया? अगर बिजनेस आइडिया बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडियाज लाता रहता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।